हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको मीशो के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा, जिससे अगर आप मीशो पे सेलर हैं या रीसेलर हैं या आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं मीशो के लिंक को शेयर करके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये फैक्ट्स जानने के बाद आप मीशो पे बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, वक्त था साल 2015 का, जब IIT दिल्ली से पढ़े हुए दो बैचमेट विदित आत्रे और संजीव बरनवाल ने मिलकर एक ऐप बनाया था, फैसनियर, जिसको प्रमोट करने के लिए ये बेंगलुरु के या बेंगलोर के कोरमंगला स्ट्रीट्स में जाके, मार्केट्स में जाके उसको खुद पंपलेट या उसका पर्चा बांटते थे, उसको प्रमोट करते थे कि आप इस ऐप का यूज करके लोकल शॉप से परचेजिंग कर सकते हैं, आपको शॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक दौर था साल 2015 का, जब फैसनियर ऐप बनाने के बाद इन दोनों लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की, बट कोई भी फैसनियर ऐप का यूज करके परचेजिंग नहीं कर रहा था। कह सकते हैं आप, इनको कोई भी सक्सेस नहीं मिली। उसके बाद इन दोनों पार्टनर्स ने, चाहे वो विदित आत्रे हो चाहे संजीव बरनवाल हैं, इनको एक आइडिया सूझा, और ये था कि इनको मालूम चला कि इंडिया में ऐसी बहुत सारी घरेलू औरतें हैं या हाउसवाइफ हैं जो कि WhatsApp पे अपना बिजनेस चला रही हैं। वो WhatsApp से ही लिंक को शेयर करती हैं, वहीं पे उनको ऑर्डर्स मिल जाता है और वो उसके ऑर्डर्स को फुलफिल करती हैं और पैसे अर्न कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी लेडीज ऐसी भी थी जो कि लोकल मार्केट में जाके होलसेल में आइटम को परचेज करना चाहती थी और उसको सेल करना चाहती थी, बट उनकी फैमिली परमिशन नहीं दे रही थी। तो बेसिकली इन दोनों पार्टनर के मन में एक आइडिया आया कि कुछ अगर हम ऐसा ऐप बनाएं या ऐसी वेबसाइट बनाएं जहां पे हम इस तरीके के बिजनेस को टारगेट करें, तो जरूर मुझे इंडिया में सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि इंडिया में अगर हाउसवाइफ की बात करें या लेडीज की बात करें तो ये क्राउड बहुत ज़्यादा है और ये लोग फ्रिक्वेंटली ऑनलाइन परचेजिंग भी किया करते हैं। जैसे ही ये आइडिया इन लोगों को हिट हुआ, वैसे ही इन लोगों ने फैसनियर ऐप को स्टॉप करके एक नया ऐप बनाया, मीशो ऐप। मीशो का मतलब होता है दोस्तों मेरी शॉप। और इस ऐप को बनाने के बाद इन्होंने बहुत मेहनत की और इन्होंने जो हाउसवाइफ की रिक्वायरमेंट्स थी या जो उनके लिंक्स की रिक्वायरमेंट थी, ये सारा कुछ देखते हुए एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा पैटर्न बना दिया कि जब आप कुछ भी नहीं सेल करें, सिर्फ आप जो मीशो के सप्लायर हैं उनके लिंक को शेयर करेंगे, फिर भी आप 10-15% कमीशन अर्न कर सकते हैं। सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, ना तो आपको आइटम परचेज करना है और ना ही उसको जाके डिलीवर करना है, ये सारा काम मीशो करेगा, बस बीच में आपको 10-15% का कमीशन मिल जाता है। इसकी वजह से इंडिया में मीशो का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि इन्होंने इंडिया में एक बड़े सेगमेंट को टारगेट किया था, या यूं कहें कि इंडिया में जो लड़कियों की रिक्वायरमेंट थी, जो लेडीज की रिक्वायरमेंट थी, ये मीशो पे कवर उसको करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने अपना ऐप ही इसी तरीके से डिजाइन किया था। और एक समय ऐसा भी आया कि साल 2021 के अक्टूबर महीने में मीशो पूरे दुनिया के, पूरे वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट डाउनलोडेड ऐप की लिस्ट में शुमार हो गया। मीशो पे लगभग अक्टूबर 2021 की अगर बात करें तो इस महीने लगभग 2.5 करोड़ डाउनलोड हुए थे, जो कि अगर वर्ल्ड की टॉप 10 मोस्ट डाउनलोडेड ऐप की बात की जाए तो मीशो उसमें शुमार हो गया, जो कि एक बड़ा रिकॉर्ड था मीशो के नाम। और अगर बात करें तो अभी तक पिछले 6 सालों में अभी फिलहाल जो मीशो का वैल्यूएशन है वो 35,000 करोड़ का हो चुका है। मतलब एक कंपनी जो 2 करोड़ से स्टार्ट होती है या 2 करोड़ की फंडिंग से स्टार्ट होती है, सिर्फ 6 सालों में ही इनका जो वैल्यूएशन है वो 35,000 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। बात करें अगर मीशो के प्रॉफिट की, तो साल 2020 में मीशो ने 315 करोड़ की अर्निंग या प्रॉफिट दिखाया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मीशो के ओनर, चाहे वो विदित आत्रे हो या को-फाउंडर संजीव बरनवाल हो, इन्होंने IIT से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद आज ये इस मुकाम पे खड़े हैं और आगे ये इसको और ग्रो करना चाहते हैं। तो अगर आप मीशो पे सेल करते हैं या आप रीसेलर हैं तो ये आपके लिए बहुत काम की बात है, क्योंकि मीशो पे जो मोस्ट ऑफ द क्राउड है, या यूं कहें लगभग जो 70% मीशो का क्राउड है वो लेडीज हैं, उसमें हाउसवाइफ हैं या लड़कियां हैं।
तो कुल मिलाकर के अगर आप मीशो पे ग्रो करना चाहते हैं और मीशो पे बहुत आगे तक जाना चाहते हैं तो आपको ऐसे सिगमेंट को टारगेट करना पड़ेगा, ऐसे प्रोडक्ट्स को टारगेट करना पड़ेगा जो कि हाउसवाइफ की नीड्स को पूरा करता हो या लड़कियों की नीड्स को पूरा करता हो। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो यकीन मानिए आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हो जाएगी, बहुत ऑर्डर्स आपको आने लगेंगे। और अगर आप लिंक को शेयर करके पैसे कमाते हैं, आपका कोई सेलर अकाउंट नहीं है, तो आप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट को मीशो पे शेयर कर रहे हैं या मीशो के कस्टमर्स को शेयर कर रहे हैं जो कि मीशो के सिगमेंट को सूट करता है, मतलब जो इनके मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स हैं उनको सूट कर रहा है, जो कि एक तरीके से लड़कियाँ हैं, लेडीज हैं, तो आपका भी कन्वर्जन रेट बढ़ेगा और आपका भी प्रॉफिट बढ़ने वाला है। तो अगर आपको मीशो पे ग्रोथ देखनी है, मीशो पे कुछ अच्छा करना है, तो आप भी इस सिगमेंट पे टारगेट करके बहुत आगे तक जा सकते हैं और एक अच्छा पैसा आप मीशो से अर्न कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।